अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस इफ्तार स्पेशल चिकन पैटीज बॉक्स, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस और बनाना बहुत ही आसान है। और ये चीज़ी चिकन पैटीज बॉक्स है, तो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें बिल्कुल आखिर तक। और यहाँ पर हमने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है। पैन में हम तेल डाल देंगे, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें तेल डालेंगे। और इसमें हम डाल देते हैं प्याज, तो एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने इसमें डाला है फाइन चॉप करके। और प्याज को चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमें लाल नहीं करना है, बस थोड़ा सा भून लेना है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 250 ग्राम चिकन कीमा, मोटा कीमा हमने यहाँ पर लिया है कुटा हुआ। इसको हम चलाते हुए प्याज के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। और कीमा जो है वो पानी छोड़ने लगा है, तो पानी को थोड़ा सा सुखा लें चलाते हुए इस तरीके से। तो पानी बिल्कुल सूख चुका है, ड्राई हो चुका है चिकन। तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक गाजर और एक शिमला मिर्च फाइन चॉप कटी हुई, चॉपर में डालकर हमने इसको काट लिया था। और चिकन कीमा और इसकी सारी चीज़ों के साथ चलाते हुए हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चलाते रहेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार 1/2 टीस्पून, ओरिगैनो 1 टेबल स्पून, इसमें हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून हम इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। और चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे मिक्स करके अच्छी तरीके से, मीडियम फ्लेम पर इसी तरीके से चलाते हुए अच्छी तरीके से मसालों को भून लेंगे। तो ये देखिए चिकन कीमा हमारा अच्छी तरीके से भूनकर तैयार हो चुका है, फिलिंग तैयार हो चुकी है। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे और गैस को अभी बंद कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी चिकन कीमा की जो फिलिंग है ये अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। इसमें हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है, और यहाँ पर हमने समोसा पट्टी ली है, इस तरीके से इसको रखें। आप चाहें तो इसे मैदे के घोल से थोड़ा सा चिपका सकते हैं नीचे से। और यहाँ पर हम यहाँ पर फिलिंग डाल देंगे जो हमने चिकन बनाया था, चिकन कीमा का फिलिंग जो बनाई थी वो हमने इसमें डाल देंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। तो अब क्या करेंगे कि जो नीचे वाली पट्टी है उसको हम ऊपर से इस तरीके से कवर कर देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे। और इस पर हम मैदे का घोल लगा लेते हैं ताकि हमारी और भी पट्टी जो है वो अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो एक तरीके तरफ से और हम इसे फोल्ड कर लेते हैं और फिर से मैदे का घोल लगाएंगे। और एक फिर से हम यहाँ पर एक तरफ से फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से हर तरफ से। तो ये देखिए आखिरी जो पट्टी साइड में बची हुई है उसको भी हम इस तरीके से टाइट फोल्ड कर लेंगे। और ये हमारी चिकन पैटीज बॉक्स बनकर तैयार है। इसी तरीके से सारे बॉक्स को बना कर तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं, जिसमें हम चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरीके से अंडे को फेंट लेंगे। और इसी से हम ब्रेड क्रम्स को लपेटेंगे। तो अंडों को अच्छी तरीके से हम फेंट ले रहे हैं। और आप भी इसी तरीके से ज़रूर बनाइए चिकन पैटीज बॉक्स, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अंडे हमने फेंट कर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर पैटीज बॉक्स को हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने पैटीज बॉक्स तैयार कर लिया और कुछ समोसे भी बनाकर तैयार किए हैं। तो अंडे में सबसे पहले हम इस बॉक्स को डिप करेंगे इस तरीके से, और फिर इसे निकाल कर हम ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे, अच्छी तरीके से लपेट लेंगे, हल्के हाथों से इसे प्रेस करें। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा एक पैटीज बॉक्स तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से सारे हम पैटीज बॉक्स को जो है अंडे में डिप कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से इसको प्रेस करें। तो चलिए इसी तरीके से हम सारे चिकन चीज़ पैटीज बॉक्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कुछ तैयार कर लिए हैं, और आप चाहें तो इसे 1 महीने तक स्टोर करके भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 पैटीज बॉक्स को यहाँ पर फ्रीज़र में स्टोर करके रख दूँगी, और बाकी के जो हमने बनाए हैं उसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं फ्रीज़र में।
तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल गरम करने को रखा हुआ है। तेल मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरीके से गरम करेंगे, उसके बाद ही इसको डालेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें। तो पैटिस बॉक्स को डालकर हम इस तरीके से दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे चिकन चीज़ पैटिस बॉक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेते हैं एब्जॉर्बिंग पेपर पर, और इसी तरीके से सारे पैटिस बॉक्स को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर चिकन चीज़ पैटिस बॉक्स को यहाँ पर हमने सर्व किया है टमाटर सॉस के साथ और मेयोनीज के साथ। और एक पैटिस बॉक्स को मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने देखने में बहुत अच्छा है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमने इसको यहाँ पर सर्व किया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये चिकन चीज़ पैटिस बॉक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल मटन कीमा और प्याज का समोसा, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस और बनाना बहुत ही आसान है। और आने वाले रमज़ान में आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और काफ़ी मज़ेदार होता है और फटाफट से ये बन जाता है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। पैन में हम 2 टेबल स्पून तेल गरम करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा तेल हम यहाँ पर डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कीमे की जो फिलिंग है समोसे की वो हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो आधा टी स्पून हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। और जब जीरे तड़कने लगे तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और तेल में अच्छी तरीके से हम चलाते हुए अदरक लहसुन को भून लेंगे। जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक इस तरीके से चलाते हुए हम भून लेंगे। तो अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है तो हम इसमें 300 ग्राम उबला हुआ कीमा डाल देंगे। मटन कीमा हमने यहाँ पर लिया है। आप इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि बेसिक बॉयल कीमा कैसे बनाते हैं। कीमे को उबाल कर रख सकते हैं और इसे जब चाहे तब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन के साथ हम चलाते हुए अच्छी तरीके से कीमे को अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं, अच्छी तरीके से हमने चलाते हुए भून लिया है। और अब हम इसमें मसाले डालेंगे, सूखे मसाले। तो हम इसमें डाल देते हैं आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। आधा टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। सारी चीज़ों को चलाते हुए हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है मटन कीमा समोसा, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको चलाते हुए हमने इस तरीके से भून लिया है। आप और भी मेरे चैनल पर समोसा और रोल की रेसिपी देख सकते हैं। चिकन कीमा हमने बनाया था, वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारा कीमा जो है भून चुका है। तो एक बड़ा प्याज हमने बारीक कटा हुआ इसमें हमने डाल दिया है। प्याज हमने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि हमने कीमा और प्याज का समोसा बना रहे हैं। और गैस को हमने बंद कर दिया है, और गैस को बंद करने के बाद ही कीमे में हम प्याज को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए प्याज जो है कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। ये देखिए इस तरीके से हमने बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती इसमें डाली है। और 4 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप तीखा ना खाना चाहें तो इसमें स्किप भी कर सकते हैं, कहीं थोड़ा स्पाइसी बनेगा तो अच्छा लगेगा। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। गैस बंद करने के बाद ही हमने प्याज और धनिया पत्ती और हरी मिर्च को मिक्स किया है, और इसको अच्छी तरीके से हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके समोसे बनाएंगे।
ये देखिए हमने यहाँ पर समोसा पट्टी हमने बाज़ार से लेकर आई है, इसको हमने रेडीमेड यूज़ किया है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर समोसा पट्टी भी घर पर ही बनाया है, उसकी भी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आई बटन में एंड स्क्रीन में आप देख लीजिए। तो ये देखिए समोसा पट्टी को हमने यहाँ पर कपड़े से ढककर रखा था ताकि इसका मॉइस्चर लॉक रहे, बाहर नहीं निकले और ये सूखे नहीं बिल्कुल भी। तो इसमें से हम एक एक करके पट्टी लेते जाएंगे और कपड़े से इसको ढक देंगे। और यहाँ पर हमने मैदे का घोल बनाकर तैयार करके रख लिया है। एक कप में हमने इसको चम्मच की मदद से गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर दिया है समोसे को चिपकाने के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे समोसे की पट्टी को, ये कोन तैयार करेंगे। और इसमें हम समोसे की जो फीलिंग है, कीमा जो हमने बनाया था मटन कीमा, वो हम इसमें भर देंगे थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए। और इसी तरीके से इसको हम फोल्ड, आप देखते जाइए बस इसी तरीके से फोल्ड कर दीजिए इसको। और आपके समोसे कहीं से भी खुले हुए नहीं होने चाहिए, वरना जब आप इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से कीमा बाहर निकलने लगेगा और तेल अंदर चला जाएगा। तो अच्छी तरीके से टाइटली इसको बंद कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर भी थोड़ा सा घोल लगा दीजिए मैदे का घोल, ताकि अच्छी तरीके से ये सील हो जाए। तो ये देखिए एक समोसा हमने इस तरीके से बनाया है। तो एक समोसा मैं आपको और बनाकर दिखा देती हूँ, यहाँ पर इसे कैसे फोल्ड करना है आप ये देखिए। यहाँ से इसको कोन बना लीजिए और कोन में फिलिंग को भर दीजिए। एक से दो चम्मच इसमें लगेंगे और अच्छे तरीके से ये समोसा हमारा फिल हो जाएगा। और इस तरीके से इसको फोल्ड कर दीजिए और मैदे का घोल लगा लीजिए इस तरफ से, और अच्छे तरीके से इसको सील कर दीजिए। और इस तरफ भी मैदा ज़रूर लगाएं अंदर की तरफ। ये देखिए दूसरा समोसा भी हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से सारे समोसे हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बता रही स्टोर कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर आप ले सकते हैं या फिर नैपकिन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेकिंग पेपर लिया है, जिसे आप बेकिंग में यूज़ करते हैं या फिर रैप के लिए यूज़ करते हैं, वो वाला पेपर हमने यहाँ पर लिया है। और इसको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ और सारे समोसे को इस तरीके से मैं बिछा कर इसमें अच्छी तरीके से रख दूँगी, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और ऊपर से एक और यहाँ पर मैं पेपर लगा रही हूँ बेकिंग पेपर, आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन वो चिपक, कभी कभी चिपक जाता है समोसा। तो आप जब इस तरीके से रखेंगे तो समोसे आपस में चिपकेंगे नहीं और एक एक समोसे अलग अलग रहेंगे, ताकि जब आप फ्राई करने के लिए निकालें तो आसानी से ये बिल्कुल अलग अलग आपको मिले। तो चलिए इस तरीके से हम एक पेपर और बिछा देते हैं और समोसों को हम इस तरीके से रख लेंगे। और आप इसे आराम से 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह एक पेपर हम ऊपर से और डाल देंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में हम रख देंगे। तो ये देखिए हम ढक्कन इसको लगा लेते हैं और मैं सारे समोसे को फ्रीज़र में रखूंगी और बाकी थोड़े से समोसे निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे थोड़े समोसे और फ्राई करना है आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए हमने तेल गर्म करने को रखा हुआ है, इसमें हम समोसे डाल देंगे। तो 5 से 6 समोसे मैंने यहाँ पर निकाल लिए थे फ्राई करने के लिए। ये देखिए तेल को अच्छे से गर्म होने दें और उसको मीडियम फ्लेम पर कर दें, और समोसे को मीडियम फ्लेम पर ही अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। तो ये देखिए एक साइड से ये पक चुका है, इसको पलट लेते हैं। और इसी तरीके से हम समोसों को फ्राई करेंगे जब भी हमारा दिल करेगा खाने को, शाम के नाश्ते में या फिर इफ्तार में, या जब भी आपको दिल करे तब इसी तरीके से फ्राई कीजिए और इसे सर्व कीजिए। तो ये देखिए हमारे समोसे अच्छी तरीके से गोल्डन कलर हमारे समोसों का आ चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे, बहुत ही क्रिस्पी अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर एक नैपकिन पेपर ले लें या किचन टावल ले लें, उस पर निकाल लें इसको, एब्जॉर्बिंग पेपर जो होता है उस पर निकाल लें। तो हमारे समोसे बनकर तैयार है, तो चलिए हम इसको अब सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर
टमाटर सॉस के साथ और इमली की चटनी के साथ हमने यहाँ पर समोसों को यहाँ पर सर्व किया है। बहुत ही मज़े के समोसे बने हैं, तो मैं आपको तोड़कर एक दिखा देती हूँ। समोसा बहुत ही मज़े का बना है, आप देख सकते हैं। कीमा और प्याज का समोसा हमारा स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार है। इसको हमने यहाँ पर सर्व किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये समोसा कीमा समोसा की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ चिकन ड्रैगन रोल, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस, और बनाना बहुत ही आसान है और काफ़ी मज़ेदार है खाने में। तो आप इसे इफ्तार में बनाकर ज़रूर खाएं। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में हम 3 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे और इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन पेस्ट को लगातार ही हम चलाते रहेंगे, चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप हरी प्याज का सफ़ेद वाला हिस्सा जो होता है, उसको बारीक काट कर हम इसमें डाल देंगे और इसको भी चलाते हुए भून लेंगे। तो हमारी प्याज जो है अच्छी तरीके से भून चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप हम उबला हुआ शैरेड किया हुआ चिकन डाल देंगे और इसको भी चलाते हुए अच्छी तरीके से अदरक लहसुन और प्याज के साथ चलाते हुए भून लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे सब्जियां। 1 कप हमने इसमें पत्ता गोभी ले ली है बारीक कटी हुई, 1 कप शिमला मिर्च है और 1 कप हमने यहाँ पर गाजर ले ली है। तीनों को हमने बारीक कट कर लिया था अच्छी तरीके से और चिकन के साथ हम इसको चलाते हुए अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इस तरीके से। हल्के से इसको हम पलटते हुए भून लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। और 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देते हैं डार्क सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देते हैं रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस और 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देते हैं वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। और इन सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, चलाते हुए भून लेंगे आपस में। फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम ही रखें और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और यह हमारा चाइनीज़ वाला मसाला जो है, फिलिंग जो है, बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम ऊपर से डाल देंगे 1 कप हरी प्याज के पत्ते जो होते हैं, उसको बारीक काट कर हम इसमें डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ियाँ ज़्यादा हम इसको हमें पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंची रखना है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चिकन हमारा ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर हमने रोल शीट ले ली है जिससे रोल बनाया जाता है, इसको हमने रेडीमेड ही लिया है। तो इसको हम ले लेते हैं और इससे हम रोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक रोल शीट हमने लिया है और इस पर हम इस तरीके से चिकन की जो फीलिंग है, रोल की जो फीलिंग है, वो हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे दोनों साइड से। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा मैदे का घोल तैयार किया था और इसको गाढ़ा सा घोल है और इसको लगाकर इस तरीके से रोल को हम अच्छी तरीके से घुमाते हुए रोल कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए रोल तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इतने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, आप चाहे तो 2 से 3 महीने भी इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिनों के लिए स्टोर नहीं करेंगे, रमज़ान के लिए स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंटेनर हमने ले लिया, एयरटाइट कंटेनर, और इसमें हम रोल को रख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम बेकिंग पेपर है ऊपर से रखेंगे ताकि रोल जो है आपस में चिपके नहीं। तो ऊपर से हम इस तरीके से रोल को फिर से रख देंगे, ये देखिए इस तरीके से सेट कर दें अच्छी तरीके से। और इसे स्टोर करके हम 6 महीने तक भी इसे स्टोर कर रख सकते हैं फ्रीज़र में।
तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे रोल को यहाँ पर रख दिया है और अच्छे से ढक्कन को बंद करके इसको फ्रीज़र में स्टोर कर दीजिए। तो जब भी आपको इसको फ्राई करना हो तो आधे घंटे पहले या 30 मिनट पहले निकाल कर इसको रख दें बाहर, उसके बाद इसको गरम तेल में फ्राई कर लें। तो ऊपर से हमने एक किचन टॉवल रखा हुआ है, टिश्यू, किचन टिश्यू जो होता है टिश्यू पेपर, वो हमने ऊपर से डाल दिया और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने तेल को गर्म करने के लिए रखा था, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो थोड़े से हमने रोल को यहाँ पर निकाल कर रख लिया था, वो रोल को हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। और तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए हाई फ्लेम पर तो इसको मीडियम फ्लेम पर कर दें ताकि हमारे जो रोल है वो क्रिस्पी बने। और इस तरीके से पलटते हुए हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। तो चलिए हमारे रोल जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने किचन टॉवल ले लिया है, किचन टिश्यू ले लिया है और ऊपर से इसको हम रख देंगे ताकि जो सारा एक्सेस ऑयल है वो पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए। और इसी तरीके से सारे रोल को हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब रोल को हम यहाँ पर सर्व करेंगे और तो मैं काट कर आपको दिखा देती हूँ, रोल बहुत ही क्रिस्पी बना है और आप देख सकते हैं रोल को कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में, अभी से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा चाइनीज़ ड्रैगन रोल, चिकन रोल बनकर तैयार है। तो हमने इसे सर्व किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये चाइनीज़ चिकन ड्रैगन रोल की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।